बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिसने फैंस को थोड़ा बहुत इमोशनल कर दिया है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा हमको बोरुटो में कुरामा की डेथ देखने को मिली, क्योंकि हमने नारुतो सीरीज में देखा है कैसे कुरामा और नारुतो ने अपनी बॉन्ड डेवलप करी है और कुरामा की डेथ के बाद नारुतो पहले से काफी वीक हो गया है और यहाँ तक कि बोरुटो में सासुके की रिनेगन भी डिस्ट्रॉय हो गई है और बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं क्या सासुके को अपनी रिनेगन वापस से मिलेगी। और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो इशिकी की डेथ के बाद बोरुटो की बॉडी पे मोमोशिकी ने कब्जा कर लिया था और सासुके के पीछे अचानक से आकर उसकी आई में कुनाई स्टेप कर उसकी रिनेगन डिस्ट्रॉय कर दी थी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा रिनेगन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डोजुत्सु में से एक है, तो जो कि सासुके की रिनेगन डिस्ट्रॉय हो गई तो रिनेगन की इम्प्रेसिव पावर्स को यूज नहीं कर सकता, तो सासुके भी बिना रिनेगन के पहले से वीक हो गया है और नर्फ होने के कारण बोरुटो का पूरा फैन बेस बात करने लगे सासुके पहले की तरह विलेज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। और देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि सासुके के पास पहले से एक आर्म नहीं है जो कि हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज देता है और उसके बाद अब रिनेगन भी डिस्ट्रॉय हो गई, तो बेसिकली सासुके पहले से काफी नर्फ हो गया है और देख के तो ये लगता है ये नर्फ परमानेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सासुके को रिनेगन वापस से मिलने वाली है। इस एनिमे सीरीज की एक थीम है जो हमेशा चलती आ रही है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा लगभग हर बार करंट जनरेशन प्रीवियस जनरेशन को सरपास कर देती है, तो आप लोग कह सकते हो इस वजह से भी हमारे दो गॉड लेवल कैरेक्टर को वीक कर दिया गया है और स्टोरी का मेन कैरेक्टर बोरुटो अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करा जिससे उसको उसके फादर से कंपेयर ना करा जाए। और कुछ फैंस को लगता है कि सासुके को अपनी रिनेगन वापस से मिलेगी, वो बिलीव करते हैं कि सासुके हाशिरामा सेल के जरिए अपने रिनेगन को अवेक करेगा और कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है, राइटर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, मगर अभी देखा जाए तो अभी मेनली फोकस किया जा रहा है करंट जनरेशन की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में ताकि वो भी स्पॉटलाइट में अपनी स्किल्स दिखा सके। और सासुके को लेकर कुछ पॉपुलर थ्योरीज में से एक थ्योरी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि सासुके विलेज को बचाते हुए अपनी जान दे देगा, उसके बाद शारदा सासुके की शारिंगन लेके अपनी ऐसे रिप्लेस कर इथेनल मांगेगी और शारिंगन को अवेक करेगी। और आप लोगों को क्या लगता है आप लोग भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं और ये भी बताना कि सासुके और नारुतो में से अभी स्ट्रॉन्ग कौन है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।